अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसबा और आज मैं बना रही हूँ चिल्ली चिकन मैक्रोनी। चिल्ली चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये कैसे और कब यूज़ करने हैं, चलें वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने पानी को बॉयल करने रख दिया था और मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1 टी स्पून इसमें जाएगा नमक। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये आधा पैकिंग मैक्रोनी है। इसको हम 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा बॉयल कर लेंगे। चलें, जब तक होती है हमारी मैक्रोनी बॉयल, तो हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदर जवे ली हैं लहसुन के, इनको मैंने चॉप कर लिया, ये इसके अंदर शामिल करूंगी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए, लहसुन हमारा फ्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लिया था 1 कप बोनलेस चिकन, इसको इसमें शामिल कर देंगे। हम कलर चेंज करके फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लीजिएगा, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चीनी ली है। ये लाजमी, ये स्किप मत कीजिएगा, ये डालिएगा चीनी, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत मजे का आएगा। चलिए, ये भी सब चला गया इसके अंदर। जस्ट इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। इसको हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कुक करेंगे। देखिए, जितनी देर में हमारी मैक्रोनी 7 मिनट में बॉईल होती है, 5 से 7 मिनट में, उतनी देर में हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि आजकल हर घर में एक स्टोव तो नहीं होता, 3-4 तो हर घर में लाजमी होते हैं। एक पे आप मैक्रोनी बॉईल करें, दूसरे पे आप चिकन को जल्दी से रेडी कर लें। 7 मिनट में आपकी ज़बरदस्त सी मज़ेदार चिल्ली चिकन मैक्रोनी भी रेडी हो जाएगी। मैं इसमें डालूंगी 1 अदर शिमला मिर्च, जो मैंने इस स्लाइस में काट ली है। आप चाहें तो कोई भी शेप में काट लें। और 3 अदर मैंने ग्रीन चिली ली है, इसको भी मैंने लंबाई में काट ली है। यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया, ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। अब इस चिकन में मैं डालूंगी 1 कप पानी। पानी हमारा अच्छा सा उबलना शुरू हो जाए, उतनी देर में हम चेक कर लेते हैं अपनी मैक्रोनी को। देखिए, मैक्रोनी हमारी बॉयल हो गई है। अब हम इसको इस पानी से निकाल लेंगे और 1-2 दफा ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेंगे, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। देखिए, पानी हमारा थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था, 1 टेबल स्पून पानी में हल किया था, अब मैं इसमें डाल दूंगी और हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे लम्स ना बने, हमारी सॉस अच्छी सी रेडी हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये मैक्रोनी।
यहाँ पर मैंने 1 कप चेडर चीज ली है, मैं शामिल कर दूंगी इसको, करेंगे अच्छा सा मिक्स। चलिए देखें हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो जी फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, देखे जी जबरदस्त ही हमारी चिल्ली चिकन मैक्रोनी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।